कलैत और राजोंग ब्लॉक में रिचार्ज बोर घोटाला होने जा रहा है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए के फर्जी बिल तैयार करवाए गए हैं। कलैत में और राजोंद में 800 फीट गहरे बोर का सामान पहले ही खरीद लिया गया और वहां के प्रशासकों पे, जो आज पंचायतें नहीं रही क्योंकि उनकी पावर प्रशासन में चली गई, दबाव डाला जा रहा है कि इन बिलों की पेमेंट जल्दी से जल्दी कर दी जाए। यहाँ के सारे काम इस तरह के मंत्री के इशारे पे हो रहे हैं। जैसा कि किसानों का आंदोलन चरम सीमा पे है, बच्चे बूढ़े और जवान दिल्ली के बॉर्डर पे या टोल प्लाजाओं पे संघर्षरत हैं और सरकार किसानों की लड़ाई को, जो अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं, उसे लाठी गोली और अश्रु गैस के गोलों से दबाना चाहती है। यह भूल जाती है कि जब जब भी किसानों ने कोई संघर्ष शुरू किया है, कोई लड़ाई शुरू करी है, चाहे वो कितना ही तानाशाही शासक रहा हो, उसे धराशाही होना पड़ा है। और किसानों का संघर्ष रंग लाया है और जिस जिसने भी उन किसानों पे लाठियां बरसाई, गोलियां बरसाई, उन्हें दोबारा सत्ता का मुंह नहीं देखा। इसी प्रकार से हिसार की जो घटना हुई है उसकी घोर निंदा करता हूँ। जैसा कि कोरोना काल है, कोरोना काल में आज प्रदेश और देश की सरकार एक बरस से हाथ पे हाथ धर के बैठी रही। ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ है, ना कोई बेड है, ना कोई ऑक्सीजन है, ना कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और ना कोई दवाई। ऐसे माहौल में सरकार ने आम जनों को, लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल के हवाले कर दिया है और उन्हें लूट की छूट दी है हुई है। और बहुत से लोग आज इस बात को देख करके कि आम जन तो दुख के बैठा है, कोरोना काल है, इसको लाभ के अवसर में बदला जाए, वो लूट सोट करने में लगे हुए। जैसे पहले कोरोना काल में शराब घोटाला हुआ था और उसी प्रकार से रजिस्ट्री घोटाला हुआ, धान घोटाला हुआ, आज भी हालात यही हैं कि पाठशालाएं बंद हैं और मदशालाएं खुली हुई। आपके ज़िले में भी इसी प्रकार के कई घटनाक्रम हो रहे हैं जिसकी वजह से घोटालों की बूँ आ रही है। कलैत और राजोंद ब्लॉक में रिचार्ज बोर घोटाला होने जा रहा है। लगभग 2.5 करोड़ रुपए के फर्जी बिल तैयार करवाए गए हैं और गांव की कोई मांग नहीं रिचार्ज बोर लगाने की। और रिचार्ज बोर लगाने के लिए विश्व बैंक ने अपनी सिफारिश में ये कहा हुआ है कि रिचार्ज बोर ना लगाए जाएं क्योंकि इससे स्वीट वाटर जोन खराब हो जाएगा। अगर लगाए भी जाएं तो उनमें गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। और पहले ही गाँव में रिचार्ज बोर कईयों में लगे हुए हैं और रिचार्ज बोर लगाने से पहले अपनी सारे गाँव की, दोनों ब्लॉकों के पहले से ही बिल लिया है शिव शंकर हार्डवेयर मशीनरी स्टोर असंध से। और ये पता नहीं कि वो बोर कितनी गहराई पे लगेंगे। पहले बोर जब लगता है उससे गहराई का पता लगता है, फिर सामान खरीदा जाता है, फिर उसमें डाला जाता है। रिचार्ज बोर प्राय 200-250 फीट पे लग जाते हैं और यहाँ पे कलैत में और राजोंद में 800 फीट गहरे बोर का सामान पहले ही खरीद लिया गया और वहाँ के प्रशासकों पे, जो आज पंचायतें नहीं रही क्योंकि उनकी पावर प्रशासन में चली गई, दबाव डाला जा रहा है कि इन बिलों की पेमेंट जल्दी से जल्दी कर दी जाए, बोर बाद में लगते रहेंगे या नहीं लगते रहेंगे। इस मामले की जांच होनी चाहिए और तुरंत से सारी पेमेंट को रोक देना चाहिए। और ये यहाँ के सारे काम इस तरह के मंत्री के इशारे पे हो रहे हैं। सफाई के नाम पे बड़ा घोटाला हुआ। कोरोना काल में ही कई गांवों के नाम पे कैलरम, बाड़ंग, बाड़ू, सीनन, जखोली,
सेरदा रेहड़ा नंदकरण माजरा संतोख माजरा खेड़ी संदलाड़े इन गांवों में 8 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक के सफाई के नाले और खाले साफ करने के लिए बिल बनाए गए और उनकी पेमेंट भी कर दी गई। इनकी पेमेंट जिला परिषद से भी और ब्लॉक समिति से भी दोनों तरफ से की गई और धरातल पे गांव में कोई सफाई नहीं हुई। अगर आप जांच करेंगे इस प्रकार के ज़िले के दर्जनों गांव और भी मिलेंगे जहां पे सफाई के नाम पे लूट मचाई गई और इसी प्रकार तालाबों की खुदाई के लिए हमारे राजों दौर कलायत ब्लॉक में भारी घपले किए गए। उस तालाबों की खुदाई सिंचाई विभाग ने भी की क्योंकि उन्होंने भी पौंड अथॉरिटी बनाया था सिंचाई विभाग और कुछों की तालाबों की खुदाई नरेगा से भी की गई और नरेगा से की गई उसी को जो तालाब सिंचाई विभाग और नरेगा से खोदे गए थे उन्हीं को जिला परिषद में भी खोदा गया दिखाया गया। यानी कि तालाब एक और बिल तीन तीन जगह से दिलवाए गए हैं। इसमें भी अधिकारियों की भी और प्रशासकों की भी मिली भगत है और इस घोटाले में करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया है। आप ठेकेदार जो इन्हीं ब्लॉकों में पड़ते हैं उन्होंने कईयों ने एडवांस काम किए हुए उनको 10% पहले ही रिश्वत के देने के बाद प्रशासक को बिल की पेमेंट के लिए कहा जाता है। 2.5 करोड़ की रसीदें तैयार की गई हैं, असंध से लाई गई हैं, कोई किसी प्रकार की कोटेशन नहीं ली गई, किसी प्रकार का इसके लिए कोटेशन इनवाइट नहीं किए गए, एकदम से ऑर्डर दे दिए गए, हर पंचायत को बिल थमा दिए गए और पंचायतों का प्रशासन भी दिया उसे पेमेंट करने के लिए कहा। कोई बोर भी सर लगने पाए गए अभी? केवल एक बोर पे काम शुरू हुआ फरियाबाद गांव में और उसके 10 फुट पे एक बोर ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ और पहले पंचायत गांव के लोग मांग करते हैं ये बोर लगाए जाएं। इवन ग्राम सभा की मीटिंग में आजकल तो पहले एजेंडे सारे पास किए जाते हैं, किसी पंचायत ने मांग नहीं की गई, किसी पहले से ही जहाँ जरूरत थी वहाँ रिचार्ज बोर लगे हुए हैं। और रिचार्ज बोर लगाने के लिए भी विश्व बैंक ने ये कहा हुआ है कि कोई भी गहरे बोर लगाएगा गंदा पानी उसमें डालेगा तो उससे स्वीट वाटर जोन खराब हो जाएगा। ये कोई समाधान नहीं है कि रिचार्ज बोर लगाना। और ऐसे का कोरोना काल में और ऐसे वक्त में जब पंचायतें एग्जिस्टिंग में नहीं हैं, आज पंचायतों की पावर एडमिनिस्ट्रेटर में चली गई है, ऐसे फैसले लेना तो स्वाभाविक प्रश्न चिन्ह लगते हैं, एक बहुत बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। ये सर गांव के नाम बताना, जहां तालाबों की पर्ची खुदाई आपने नाम बताना? कैलरम नहीं नहीं, ये सफाई गलियों और नालियों कैलरम बाड़ंग बाड़ू सीणंद जाखोली कोट रेड़ा नंदकण माजरा संतोख माजरा खेड़ी संदलाड़ी और भी दर्जनों गांव हैं जहां पर जिला परिषद की तरफ से सफाई के लिए अपने आप ही ठेकेदार को दे करके फर्जी बिल बना करके तत्कालीन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो भी थी उसके माध्यम से इसकी पेमेंट कर दी गई है। बाकी की जांच पड़ताल इतनी मैं कर लिया, कुछ आप कर लिया। एफर्ट में लगने वाले आउटसोर्सिंग वालों से भी 50,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। कोई भी आउटसोर्सिंग में किसी भी विभाग में लगे उसमें पहले ही 50-60-70 हज़ार रुपये पहले ही ले लिए जाते हैं और सभी महकमों में लूट मची हुई है। मैं विशेष तौर से इन सारे मामलों की आपके माध्यम से जांच करने के लिए चाहता हूं कि जांच हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर जैसे आपने रिचार्ज बोर्ड का बताया कि पहले बिल, कौन कौन इसमें शामिल है सर अधिकारी? सारी पंचायतों में आज के दिन प्रशासक वीडियो है और 2 ब्लॉक का प्रशासक एक ही है, एक वीडियो पे 2 ब्लॉक हैं कलायत का और राजौंद का। मैं विशेष तौर से इसमें जिसने ये बिल प्रस्तुत किए हैं पंचायतों को वो वीडियो है, वहाँ का प्रशासक है, इसके पीछे कौन है ये तो वो बताएगा। उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि इनकी पेमेंट कर दी जाए, तो मुख्य तौर से तो प्रशासक ही जिम्मेवार होता है।